जहां सेब को आज पूरे 2 दिन गुजर चुके थे, जबकि इफ्रा उससे बेहद नाराज थी क्योंकि उससे जाने के बाद इफ्रा को कॉल ही नहीं की थी, बल्कि जनाब का तो फोन ही बन जा रहा था। सिर्फ एक बार घर फोन करके उससे बताया था कि वो काम में बहुत बुरी तरह उलझ चुका है, जिसकी वजह से उसे वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन काम खत्म करके वो जल्दी वापस आ जाएगा। इससे इफ्रा थोड़ी मुतमिन थी कि वो हैरियत से है, लेकिन उसका कॉल न करना, बात न करना इफ्रा की नाराजगी की वजह बना था। आज भी जान की इजाज़त से मुक्सिम और लीसा शाहवाल सरदार साहब की आदत करने जा रहे थे, जबकि इफ्रा को अलीसा ने ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटा था। उसका कहना था कि ये घर में सारा दिन अकेली क्या करेगी, जबकि बाकी सब हवेली वालों ने एक दिन बाद आनवाल आ जाना था। इसलिए अलीसा का कहना था कि इफ्रा उनके साथ ही चले। सरदार साहब की आदत करने के बाद उनका इरादा वहाँ रुकने का था, जबकि मुक्सिम का कहना था कि वो खानवाल वापस आए, जबकि अलीसा ने तो साफ साफ मुक्सिम को कह दिया था कि वो 2 दिन अपने बाबा के साथ लाजमी रुकेगी, लेकिन उसकी इजाज़त मुक्सिम ने उसे हर किस्त दी थी, लेकिन अपने जिद पर कायम थी वो। इस वक्त अलीसा अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि शाहवाल थोड़ी देर ही रुकने के बाद मुक्सिम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। वो तो उमर और आसिम को भी नहीं मिल सकी थी, जबकि मुक्सिम का कहना था कि रात काफ़ी हो गई है, वो सुबह उन्हें दोबारा ले आएगा। अलीसा के हज़ार बार इनकार करने के बावजूद भी मुक्सिम ने उसकी एक भी बात ना मानते उसे वापस आनवाल ले आया, जबकि इफ्रा भी उनके साथ ही थी और अब अलीसा मुक्सिम से सख्त नाराज़ मुंह फुलाए बैठी थी। जब से वो आई थी तब से वो मुक्सिम से बात भी नहीं कर रही थी। मुक्सिम सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप अपनी गोद में रखे कभी काम करता तो कभी अपनी नाराज बैठी बीवी को एक नज़र देखता और फिर काम में मसरूफ हो जाता। उसका उसे साथ लाना ज़रूरी था, क्योंकि सारा दिन सफ़र के बाद उसे ज़्यादा थकन सी महसूस हो रही थी जो उसके चेहरे पर साफ आया थी, और अगर वो उसे वहाँ छोड़ देता तो अपने भाइयों के साथ सारी रात जागती रहती और आराम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो अब तक तो अलीसा को अपने भाइयों के मामले में कैसी है अच्छी तरह से जान चुका था, इसलिए उसकी एक भी ना मानते उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। वैसे तो अलीसा नाराज़ थी, मगर मुक्सिम को इतना रिलैक्स देखकर उसका पारा हाई हो रहा था। उससे गर्दन घुमाकर एक खूनखार नज़र मुक्सिम पर डाली, जो अपने काम में मुकम्मल मसरूफ़ था, जैसे उसके अलावा यहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो। अलीसा तन फन करती उठी और अपना फ़ोन पकड़ते कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाने से पहले कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना नहीं भूली। दरवाज़ा बंद होने की जोरदार आवाज़ पर मुक्सिम ने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानब देखा और फिर बेड की जानब देखा और फिर मुस्कुराया। बसाहिर तो अपने काम में मसरूफ़ था, लेकिन वो उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वैसे सोचने वाली बात है, नाराज़ होकर मेरी बीवी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुक्सिम मुझसे बड़बड़ाता दिलकशी से मुस्कुराया। अलीसा ने इफ्रा के कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोला और कमरे में दाखिल हुई, जबकि इफ्रा जो मुँह ध्यान बैठी थी एकदम दरवाज़ा अचानक खुलने से उछल ही पड़ी। तन फन करती अलीसा चलती हुई आई और इफ्रा के बेड पर टांग के ऊपर किए बैठ गई। क्या हुआ भाभी, आप ठीक हैं? इफ्रा अलीसा को ऐसे गुस्से में देखकर थोड़ा परेशान हुई। हाँ, मैं आज इधर तुम्हारे कमरे में ही सोंगी, तुम्हें कोई मसला है? अलीसा इफ्रा की तरफ देखती सीरियस अंदाज से बोली। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है भाभी, आप सो जाए। इफ्रा मुस्कुराकर बोली तो अलीसा हाँ में सही हिला दी, टांगे सीधी करके लेट गई और मोबाइल यूज़ करने लगी। अलीसा को अपने कमरे से निकले तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मुक्सिम उसके पीछे बिल्कुल नहीं आया था, जबकि अलीसा को पता नहीं क्यों मज़ीद गुस्सा आ रहा था। इफ्रा उसकी दाईं जानिब लेटी गनूदगी में थी। अलीसा उठी और बैलकोनी में चली गई। उसका इरादा थोड़ी देर खुली हवा में बैठने का था। जहाँ से दबे दबे कदमों से इफ्रा के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर वो उसे सोती हुई मिली। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब गया। जहाँ से ने 3 दिन का काम 2 दिन में इसीलिए ख़त्म किया था कि वो जल्दी जाकर इफ्रा को सरप्राइज दे सके, और इस बात का मुक्सिम को पहले से ही मालूम था कि जहांसेब खानवाल आ रहा है, इसलिए मुक्सिम इफ्रा को साथ ले आया था, क्योंकि जहांसेब ने सीधा खानवाल ही आना था। मिसेज, उठ जाओ यार, देखो मैं आ गया हूँ, जहांसेब उसके कान के करीब झुकते सरगोशी करते हुए बोला। तो इफ्रा जो पक्की नींद में नहीं थी उसकी सरगोशी पर हड़बड़ा कर उठी, मगर सामने ही जहांसेब को देख कर एकदम से डर गई। अभी उससे चीखने के लिए मुँह खोला ही था कि जहांसेब अपना भारी हाथ उसके होंठों पर रखे उसकी चीख का गला खून चुका था। अब मेरे आने की इतनी खुशी भी नहीं मिसेस कि तुम चीखने ही लग जाओ, जहाँ से इफ्रा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोला। तो इफ्रा ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाना चाहा, मगर शायद जहाँ से अपना हाथ हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ अपनी सुनाने के मूड में था। ना उसके सुनने में इफ्रा को समझ नहीं आ रहा था कि वो जहाँ से को कैसे बताए
कि वो इस कमरे में अकेली नहीं है, अलीसा भी मौजूद है। बहुत हिम्मत करते इफ्रा ने अपनी बाएं जानिब नज़र घुमाई तो उसे अलीसा वहां पर नहीं दिखी, लेकिन फिर भी उसे इतना तो मालूम था कि वो इसी कमरे में मौजूद होगी। इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा शोहर बैठा है, सिर्फ उसकी तरफ देखो। जहांसेब इफ्रा से बोलता उसके माथे पर लब रखते हुए बोला, जबकि हाथ अभी भी उसके होंठों पर ही जमा था। अलीसा थोड़ी देर बेल्कोनी में बैठने के बाद कमरे की तरफ आई तो उसे बेड पर कोई शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया जो इफ्रा की तरफ झुका हुआ था, जबकि इफ्रा का वजूद साकित था। अलीसा की आंखों में खौफ सा फैल गया क्योंकि अंधेरा होने के बावजूद वो शख्स उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत हिम्मत करते अलीसा ने दबे दबे कदम उठाए और बाहर पड़े टेबल से शोपीस उठाया और बेड के करीब जाते जहांसेब के सर में दे मारा। जहांसेब पीछे से अपना सर पकड़ता फौरन उठ खड़ा हुआ, जबकि इफ्रा भी हड़बड़ा कर बेड से उठी और फौरी तौर पर लाइट ऑन की। हाय अल्लाह, आप? लाइट ऑन होते ही जैसे ही अलीसा की नज़र जहांसेब पर पड़ी, शोपीस वहीं ज़मीन पर फेंकते दोनों हाथ अपने मुंह पर रख के पूरी आंखें खोले जहांसेब को देखने लगी, जो पीछे से अपना सर पकड़े कभी इफ्रा को देखता तो कभी अलीसा को, जिसे सूरत हाल समझ में ही ना आई थी कि उस बेचारे के साथ अचानक हुआ क्या है। आप ठीक हैं? इफ्रा परेशान से होती जहांसेब की तरफ पड़ी। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था क्या आप है, मुझे लगा कोई चोर है। अलीसा फिकरमंदी से बोलती फौरन माफ़ी मांगने लगी। मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ। जहांसेब को हैरत हुई अलीसा के मुंह से खुद के बारे में चोर सुनते। नहीं, लाइट बंद थी तो मुझे लगा शायद कोई चोर है, प्लीज़ आई एम सॉरी, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? अलीसा दोबारा मासूद करते हुए बोली। इधर दिखाएं, मैं देखती हूँ। इफ्रा जहांसेब के करीब होते बोली, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। अलीसा भाई की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद ले आता हूँ, बाहर सारी लाइट्स ऑफ हैं, कहीं आप गिर ना जाए। जहांसेब अलीसा को बोलता कमरे से बाहर निकल गया। जहांसेब कमरे से बाहर निकला तो अपने सर को पीछे से छू कर देखा तो सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो शोपीस लकड़ी का होने की वजह से ज़्यादा नहीं लगा था, उसके सर में थोड़ा सा जख्म बना था लेकिन बच गया था। अगर वो शोपीस शीशे का होता तब तक ज़रूर जहांसेब साहब ने ऊपर की टिकट करवा ली होनी थी। मुकसिम को अपना काम करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसे नज़र उठाकर घड़ी की तरफ देखा जो रात का 1 बजा रही थी। उसे जल्दी से लैपटॉप बंद किया और कदम बाहर की जाने बढ़ाए क्योंकि अलीसा तब से कहीं अभी तक वापस नहीं आई थी और वो जानता था कि वह ज़रूर इफ्रा के कमरे में मौजूद होगी। अभी वो इफ्रा के कमरे की जानिब जा ही रहा था जब उसे सामने से जहांसेब आता दिखाई दिया जो अपने सर के पीछे हाथ रखे चलता हुआ आ रहा था। तुम कब आए और क्या हुआ है तुम्हारे सर पर? मुकसिम जहांसेब की तरफ देखते हुए बोला। मैं कुछ देर पहले आया हूँ और ये वेलकम हुआ है मेरा जो तुम्हारी बीवी ने किया है मेरी शान में। जहांसेब मुकसिम की तरफ देखता दांत पीसते हुए बोला तो मुकसिम का एकदम कक्का छूटा। कमाल का वेलकम हुआ है वैसे, किसने कहा था कि चोरों की तरह का वो घर? मुकसिम जहांसेब की तरफ देखता हंसते हुए बोला। तेरी बीवी ने भी मुझे चोर ही समझ कर ये हवाई शोपीस मेरे सर में मारा है। बंदा अब अपनी बीवी से भी नहीं मिल सकता खुलेआम, इधर लोग चोर ही समझ लेते हैं। जहांसेब मुकसिम की बात पर चल कर बोला। अच्छा चल, मरहम पट्टी करवा अपनी, मैं अपनी बीवी को देख लूँ, कहीं तुझे जैसे पत्थर को मारने के चक्कर में उसके नाजुक हाथ में जख्मी हो गए हों। मुकसिम जहांसेब की तरफ देखता एक आंख दबा कर बोला और उसकी बात से जहांसेब होश चल गया। पक्का जन मरीद है। जहांसेब मुकसिम को देखते हुए दांत पर दांत जमाए बोला, जबकि मुकसिम सर हम कर गया जैसे इस बात को तस्लीम किया हो और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यार फरी, ये मैंने क्या कर दिया? अलीसा अपना सर पकड़े हुए बोली। कुछ नहीं हुआ भाभी, आप फिक्र ना करें, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? गलती से हो गया, कोई बात नहीं। इफ्रा अलीसा का हाथ थामते उसे तसल्ली देते हुए बोली। नहीं ना, मुझे देख लेना चाहिए था, ऐसे ही शोपीस से मारा, ज़्यादा लग गया होगा। अलीसा को फिर से अपनी गलती याद आई जब वे कमरे में दाखिल होते मुकसिम ने ये बात सुन ली थी। कुछ भी नहीं हुआ भाभी, आप ऐसे ही सोचती जा रही हैं, मत सोचे ज़्यादा, अपनी तबीयत खराब कर लेंगी आप, इफ्रा ने उसे समझाना चाहा। क्यों सोच रही हो इतना बेगम, वो पहाड़ जैसा है, उसे कुछ नहीं होने लगा। मुकसिम अलीसा को अपने हाथ में लेते हुए बोला। लेकिन मैं, अलीसा भी कुछ बोलती उसे फौरन याद आया कि वो तो मुकसिम से नाराज थी। पीछे हटे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अलीसा मुकसिम के असार से निकलती बेड पर जा बैठी, जबकि मुकसिम और इफ्रा ने हैरत से उसकी बदलती टोन देखी। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे, मुकसिम उसकी तरफ आते हुए बोला। आप मेरे अच्छों को बुला लें, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी, अलीसा बोली। बेडग्राउंड से टेक लगा कर बैठ गई, यानी उसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब तुम यहाँ मौजूद हो तो
तो तुम्हारे अच्छों की क्या जरूरत? मुसीम एक ही चीज में अलीसा के सर पर जा पहुंचा। मुझे नहीं पता, बस आप यहाँ से जाएं। अलीसा हफकी से बोलती खींच कर कंबल ऊपर लेने लगी, जिसे उसके लेने से पहले ही मुसीम खींच कर दूर उछाल चुका था। तुम्हें लिए बगैर तुम्हें हरगिज नहीं जाऊंगा बेगम। मुसीम झुककर अलीसा को अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि कुछ फासले पर खड़ी फ्रा, जो कब से उनकी नोकझोंक इंजॉय कर रही थी, मुसीम की सरकत पर आंखें फाड़े उन दोनों को देखने लगी। जबकि मुसीम इफ्रा को और अलीसा की मजम्मत को इग्नोर करता उसे लिए कमरे से निकल गया। कमरे में लाकर मुसीम ने नरमी से उसे बेड पर लेटाया और खुद भी साथ ही लेट गया। छोड़ी मुझे, अलीसा मुसीम के आसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। नामुमकिन, मुसीम बोलता अपना आसार और तंग कर गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे छोड़े। अलीसा ने याद करवाना जरूरी समझा कि वो उससे वाकई कोई बात नहीं करना चाहती। तो किसने बोला है कि बात करो? ये वक्त तो सोने का है, इससे चुप करके सो जाओ। मुसीम उसके हाथों को अपने हाथों में कैद करते हुए बोला। वैसे बेगम, तुम लड़ती झगड़ती ज्यादा प्यारी लगती हो। मुसीम ने बोलते उसके काल को लबों से छूना चाहूं, लेकिन अलीसा चेहरा फेर गई। जबकि ये हरकत मुसीम को सख्त नागवार गुजरी थी, वो एक ही झटके से उसे आजाद करता दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसी करवट बदल कर लेट कर आंखें मूंद गया और अपने गुस्से को जब्त करने लगा, क्योंकि वो पहले भी उसे कई बार कह चुका था कि वो ऐसी हरकत ना किया करे, लेकिन वो ना जाने अनजाने में ऐसी हरकत कर जाती थी जिससे मुसीम को गुस्सा आए। मुसीम के ऐसे रवैये पर अलीसा ने हैरत से मुसीम की तरफ देखा, जो करवट बदले लेटा हुआ था। एक सेकंड से पहले उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अनजाने में ही सही मगर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो मुसीम को नाराज कर बैठी थी। ये सब सोचते अलीसा ने बेतरतीब से अपने लब कुछ ले। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद भी जब मुसीम ऐसे ही लेटा रहा तो अलीसा आहिस्ता से उठी और दूसरी तरफ जाकर मुसीम के साथ लेटी उसके और अपने ऊपर कंबल डालकर उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। सॉरी मीर, अलीसा मुसीम के गिर्द अपना हजार बांधती नम आवाज़ से बोली। तो मुसीम ने झट से आंखें खोली। मैं हर बार गलती माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन तुम शायद ज़्यादा ही मेरे सर चढ़ गई हो। ये भी मेरी ढील का ही नतीजा है। मुसीम ने बाजू से पकड़कर उसे खुद से अलग करना चाहा, जबकि वो उससे और चिपक गई। सॉरी ना, अब नहीं करूंगी, पक्का वादा, अलीसा अपना हजार तंग करते हुए बोली। तो बेख्तियार मुसीम के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई, जिसे वो फौरन छुपा गया। मैं बार बार मौका नहीं देता, मुसीम अपने चेहरे पर नाराजगी का होल चढ़ाए मस्तूई गुस्से से बोला। मैं अपनी बेबी से आपकी शिकायत करूंगी, अलीसा उसके सीने में चेहरा छुपाती हुई बोली। तो मुसीम ने भी उसके गिर्द अपना हजार बांधा। क्या शिकायत करोगी? मुसीम उसके सर को चूमते हुए बोला। मैं उससे बोलूंगी कि आपके बाबा बहुत बुरे हैं और आपकी मामा को बहुत तंग करते हैं, लीसा चेहरा उठाकर मुसीम की आंखों में देखती हुई बोली। क्या वाकई में बुरा हूँ? मुसीम उसकी आंखों को चूमते हुए बोला। तो अलीसा ने हाँ में सही हिलाया। फिर मेरे साथ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से, मुसीम उसकी तरफ घूरते हुए बोला। मुझे नहीं उठना और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने शौहर के पास हूँ। आपको कोई मसला है? अलीसा बोलती दोबारा उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई और मुसीम भी मुस्कुराता उसे मजीद अपने हजार में लेता उसकी पेशानी चूमता आंखें बंद कर गया, जबकि अलीसा बंद आंखों से मुस्कुरा दी। इफ्रा जासिफ के सर में लगे सखम को साफ कर रही थी और साथ साथ अपनी मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि जासिफ उसे मुसलसल घूर रहा था। ये ले, हो गया, ज्यादा जख्म नहीं है, और आप ऐसे मुझे घूरते क्यों जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? चोरों की तरह आप ही आए थे, इफ्रा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर साइड टेबल पर रखती हुई बोली। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। और तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे इफ्रा का हाथ पकड़ते उससे अपने साथ बिठाते हुए बोला। जी, इफ्रा सवाले नसों से जासिफ की तरफ देखती हुई बोली। ये रखवाली के लिए बॉडीगार्ड रखना जरूरी था क्या? जासिफ इफ्रा को लिए बेड पर लेटते हुए बोला। नहीं, भाभी तो ऐसे ही आई थी, शायद वो भाई से नाराज होकर आई थी, और ये पहली बार ही था जब वो मेरे रूम में रात के टाइम आई हूँ, लेकिन आप आ गए इससे भाभी को गलतफहमी हो गई और उन्होंने आप पर हमला कर दिया। इस पर इफ्रा हंसने लगी। बहुत ही मेज़नी हो तुम बीवी, एक बार भी मुझे नहीं बताया कि वो इस कमरे में मौजूद है। जासिफ करवट पर लटलता इफ्रा को घूरते हुए बोला। बस कर दे, अब आप मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाएं, आप ही मेरे मुंह पर हाथ रख कर बैठे हुए थे। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने मुँह से आपका हाथ हटाऊँ, लेकिन आप तो जैसे पक्के इरादे किए हुए थे कि मुझे बोलने देना ही नहीं, अब इससे मेरा तो कोई कसूर नहीं। इफ्रा जासिफ के बाजू पर सरकती हुई बोली। हाँ भाई,
दोनों बहन भाई ऐसे अनजान बनते हो जैसे मैं तुम दोनों का कुछ नहीं लगता। एक भाई बोलता है कि तुम कौन सा पहाड़ हो, और एक बहन बोलती है कि इसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं, हम मजलूम साइड पर ही रह जाएंगे, और तुम दोनों बहन भाई बाजी मार के हमेशा आगे निकल जाना। जहांसेब इफ्रा को अपने हसार में लेते हुए बोला, तो आपने कौन सा किला पता कर लेना है? इफ्रा मुंह बनाते हुए बोली, जैसे जहांसेब की बात उसे पसंद ना आई हो। किला तो मैं फतह कर ही लूंगा मिसिस जहांसेब। उससे एक करवट ही बदली और इफ्रा के ऊपर आ गया, जबकि इफ्रा का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ये रख गया। वैसे मुझे पता चला था कि तुमने अपने शोर को काफी ज्यादा मिस किया है, क्या ये सच है? जहांसेब इफ्रा के चेहरे पर अपना गोटा फेरते हुए बोला, तो इफ्रा कब कप आई, तो आपको कौन सा फर्क पड़ जाता है, आप तो रहते हैं अपने काम में बिजी। इफ्रा को अचानक अपने नाराज की याद आई तो वो मुंह बनाते हुए बोली, कैसी नाशुक्री बीवी मिली है मुझे, एक तो मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आ गया हूँ और अभी भी मुझसे राजी नहीं हो रही। जहांसेब इफ्रा को घूरते हुए बोला, आप मुझे नाशुक्रा बोल रही हैं? इफ्रा ने हैरत से जहांसेब की जानब देखते हुए पूछा, तो जहांसेब ने मुस्कुरा कर हाँ में सहलाया, जबकि इफ्रा ने उसे बुरी तरह घूरा था, पीछे हटे। इफ्रा ने उसे खुद से हटाना चाहा, जबकि वो उसे एक इंच भी नहीं हिला सकी थी। मजम्मत बेकार है मिसिस जहांसेब, वो बोलता उसके चलते हाथों को दोनों हाथों से कंट्रोल करता उसे समझाने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर झुका और उसकी सांस कैद कर गया, जबकि इफ्रा सख्ती से आंखें मीच गई थी। कुछ देर बाद जहांसेब ने इफ्रा के होंठों को आज़ादी बख्शी और उसे अपने हसार में ले लेट गया, जबकि इफ्रा अपनी सांसें बहाल करती जहांसेब के सीने में मुँह छुपा गई। सो जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है, इतना लंबा सफ़र करके थक गई होगी, जहांसेब उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला और आंखें बंद कर गया, जबकि इफ्रा ने मुस्कुरा कर अपना आप मसीह जहांसेब के सीने में छुपाया और जल्दी ही नींद की वादियों में उतर गई। फजर के वक्त मुकसिम की आंखों ने तो उससे देखा अलीसा उसके साथ चिपकी गहरी नींद सो रही थी। उसे मुकसिम के गिर्द वैसे ही हजार बांधा हुआ था जैसे रात वो लड़ते लड़ते बांध कर सो गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके नाजुक मुलायम हाथ मुकसिम के सीने पर मौजूद थे और वो खुद भी पूरी तरह मुकसिम के असार में कैद थी। मुकसिम अपनी जान से प्यारी बीवी को देखकर मुस्कुराया। वैसे तो अलीसा रोज खुद ही फजर के टाइम उठ जाया करती थी, लेकिन शायद थकावट की वजह से और कुछ ऐसी हालत की वजह से वो गहरी नींद में थी और अभी तक बेखबर सो रही थी। उठ जाओ मेरी जान, फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो, मुकसिम अलीसा के कान में सरकोशी करता हुआ बोला, मगर अलीसा बिल्कुल भी नहीं हिली थी। उफ, एक तो हमारी बेगम की नींद बहुत खतरनाक है। मुकसिम अलीसा की गहरी नींद को देखते हुए मुस्कुराया। उठ जाओ बेगम, नमाज का वक्त हो गया है। अब की बार मुकसिम उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाते अपनी भारी आवाज से बोला, तो अलीसा थोड़ा सा कसमसाई और ऐसा ऐसा आगे खोलकर मुकसिम की जानी देखा जो उसी को देख रहा था। उठ जाओ मेरा बच्चा, नमाज नहीं पढ़नी क्या? मुकसिम उसके माथे से बाल पीछे हटाता हुआ मोहब्बत भरे लहजे में बोला और झुक कर उसकी पेशानी को चूमा। तो अलीसा मुस्कुरा दी और उठकर बैठ गई। पढ़नी है, अलीसा बोलती बेड से उठ खड़ी हुई और वुज़ू करने चली गई। अलीसा और मुकसिम एक दूसरे की हमराह ही नमाज अदा की थी और मुकसिम अब जाए नमाज पर बैठा अपनी रोज़मर्रा की तस्बीह कर रहा था, जबकि अलीसा उसके पीछे ही बैठी दुआ मांगने के बाद सिर्फ मुकसिम को ही देखी जा रही थी। मीर, अलीसा ने मुकसिम को पुकारा। मुकसिम ने बगैर देखे ही जवाब दिया, आपसे एक बात पूछूं? अलीसा मुकसिम की जानब देखते हुए बोली। हाँ पूछो। मुकसिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? जाने अलीसा के दिल में क्या आई थी जो इस सवाल को पूछ बैठी। अलीसा के सवाल पर मुकसिम मुस्कुराया और रूह उसकी जानब करके बैठ गया। इतनी कि जब जन्नत में मुझे 70 हूरों से नवाजा जाएगा तो उन सबको ठुकरा कर मैं सिर्फ खुदा से तुम्हारा साथ मांगूंगा। मुकसिम अलीसा को अपने हसार में लेते हुए बोला। अलीसा ने झटके से सर उठाकर मुकसिम को साकित नजरों से देखा। आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? अलीसा मुकसिम की आंखों में देखती हुई बोली। मुझ पर फर्ज है मेरी जान तुमसे मोहब्बत करना, तुम्हें चाहना, सिर्फ तुम्हें तसव्वुर करना और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजार देना। मुकसिम अलीसा की पेशानी पर लब रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला, जबकि मुकसिम की बात पर अलीसा की आंखों में तेजी से नमी उतरी थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका शौहर उससे इतनी मोहब्बत करने वाला होगा जो दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में भी उसका साथ चाहेगा। अलीसा को अपनी किस्मत पर इख्तियार रश्क हुआ। लेकिन मैंने तो आपको इतनी मोहब्बत नहीं दी कभी, फिर आप मुझे इतना कैसे चाह सकते हैं? अलीसा ने अपनी नम आवाज़ से मुकसिम से एक सवाल और किया। तुमने जो मुझे दिया है मेरी जान, तुम तो खुद भी नहीं जानती
तुमने मुझे ज़िंदगी दी है, तुमने मुझे जीना सिखाया है, तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर किया है। अगर मैं आज तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ तो इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम क्या समझती हो मैं इतना बेवकूफ़ हूँ या इतना बेध्यान हूँ कि मुझे अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र ना आती हो। तुम मोहब्बत का इजहार करो या ना करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मुक्सिम उसके आंसू अपनी लबों से चुनते हुए बोला, मीर, अलीसा बोलती उसके गले लग गई। जाने मीर, मुक्सिम मुस्कुरा कर उसके गिर्द अपना हसार बांधते हुए बोला, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मुझसे कभी दूर तो नहीं जाएंगे ना? अलीसा मुक्सिम की आंखों में देखती नम आंखों से सवाल पूछ रही थी। कभी नहीं, तुमसे दूर जाना मेरे बस में नहीं। मुझमें इतना हौसला नहीं है कि मेरी जान, कि मैं अपनी ज़िंदगी से दूर जा सकूं। तुमसे दूर जाने का मतलब मौत है, और मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। मुक्सिम उसकी नम आंखों को चूमते हुए बोला, जबकि मुक्सिम की बात पर अलीसा ने तड़प कर मुक्सिम की तरफ देखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मीर, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अलीसा मुक्सिम की तरफ शिकवा कर निगाहों से देखती हुई बोली। तो मुक्सिम मुस्कुराया, उसे साथ लिए वो बेड पर आया और उसे नरमी से लिटाता साथ उठ लेट गया। सो जाओ, कुछ देर तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुक्सिम अलीसा को प्यार से थपथपाते हुए बोला, जबकि चेहरे पर आज अजीब सी मुस्कुराहट ने डेरा बसाया था और ये अलीसा की मोहब्बत का इजहार था जो उसने कुछ देर पहले मुक्सिम से किया था। अलीसा का इजहार मुक्सिम को सरशार कर गया था। उससे आज अपनी सांसों में बसी हुई महसूस हो रही थी। हवेली के तमाम अफराद हानवाल आ चुके थे, जबकि मुक्सिम अलीसा को सरदार साहब के घर छोड़ाया था बगैर किसी से पूछे और बगैर किसी को बताए। उसके पीछे क्या वजह थी ये वो बेहतर जानता था। सबा जब से हानवाल आई थी तब से वो अलीसा की तलाश में थी, लेकिन उसे अलीसा कहीं दिख नहीं रही थी। उसके और हावर के प्लान के मुताबिक आज उन्हें अलीसा को यहाँ से गायब करना था, लेकिन कैसे? वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। यहाँ तक कि घर के भी किसी अफराद को नहीं मालूम था कि अलीसा और मुक्सिम सुबह सुबह कहाँ गायब हुए हैं, कहाँ चले गए हैं ये दोनों सुबह सुबह। कम से कम इतला ही देकर चले जाते। बी जान इफ्रा और जासिब की तरफ देखती हुई बोली, पता नहीं बी जान, शायद भाभी की तबीयत ठीक ना हो और भाई उन्हें इसलिए लेकर गए हों। आप फिक्र ना करें, आ जाएंगे वो लोग। इफ्रा ने बीजान को तसल्ली देनी चाही तो बीजान ने हाँ में सर हिलाया और सब नाश्ता करने लगे।